अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे। तो स्टूडेंट, अपने लेक्चर को बगैर टाइम जाए कि ना किए बिना कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था बैनर के लिए स्लाइडर बनाना। अभी तो हमने स्लाइडर बनाया था, ये वाला स्लाइडर मैंने आपको बनाना सिखाया था जो HTML के लिए बना था। आज हम ये स्लाइडर को, जो हमने स्लाइडर बनाया है, ये स्लाइडर को हम इंस्टॉल करेंगे जी अपने ये वाले स्लाइडर के अंदर। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला लेक्चर, तो स्टेप बाय स्टेप देखें, स्किप ना कीजिएगा। ओपन करते हैं अपने सब लाइन को। अब सब लाइन को ओपन कर लिया हम लोगों ने। अब इसके अंदर बैनर वाला हमारे पास जो है जी कोडिंग ओपन है, तो अब इसमें ओपन करनी है मैंने स्लाइडर की कोडिंग। ये स्लाइडर की कोडिंग यहाँ से लेके मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। तो स्टूडेंट ये देखें, ये स्लाइडर की कोडिंग मेरे पास मौजूद है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि ये जो मेटा टैग है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब ये वाला स्लाइडर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लिया है, और फिर बैनर के अंदर जाता हूँ, और बैनर के अंदर जाके हमें स्टार्ट पे यहाँ से लेके यहाँ तक सब सेलेक्ट करना है, पेस्ट कर देना। सिर्फ और सिर्फ ये टाइटल जो हमारे पास है ना, ये इसको खत्म कर देना, क्योंकि टाइटल हमारे पास हमारा अपना ही मौजूद है, ये वाला जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हो चुका है हमारे पास स्लाइडर का एक हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा हम लोगों ने लगाना है, वो ये है कि ये बॉडी का हिस्सा जो बॉडी के अंदर मौजूद है ना, जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिव है और यहाँ तक, इसको मैंने करना है कॉपी। और कॉपी करने के बाद फिर बैनर वाले एरिया में आता हूँ, और यहाँ पे आके देखते हैं कि हमारी बैनर है किधर, तो स्लाइडर किधर है, सॉरी। अब ये वाला हमारे पास स्लाइडर का एरिया है ना स्टूडेंट। अब हमने करना है क्या है, अब हमने यहाँ पे आके स्लाइडर को यहाँ से सिलेक्ट करना है और ले ये। अब यहाँ पे आके हमने इसको क्या करना है, सिंपल पेस्ट कर देना। अब पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। देखिए कोई भी चीज हम लोगों ने नहीं छेड़ी, सिर्फ स्लाइडर में आए, सेव किया, पेस्ट किया, इंटर किया, बस सिंपल। वेबसाइट की जानी जाती है। तो ये हमारे पास स्लाइडर है, अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये तो हमारा स्लाइडर यहाँ पे मूव होना स्टार्ट हो चुका है जी। जो हमने स्लाइडर वहां पे लगाया था, वो स्लाइडर अब हमारी वेबसाइट के अंदर मूव होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो स्लाइडर था हमारे पास, ये मूव हो चुका है इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर हम लोग वो खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा और फिर ये खूबसूरत हो जाएगा। अब हमारा कहाँ था स्लाइडर, ये वाला एरिया था हमारा बॉर्डर, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ऐसा कहता हूँ कि बॉर्डर पे बिल्कुल बॉर्डर, और इसका बॉर्डर कलर खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये बीजी कलर है, वो बैकग्राउंड कलर बाद में देखते हैं रखना कि नहीं रखना। ले जी, ये हमने बॉर्डर भी खत्म कर दिया, बैकग्राउंड कलर कुछ और कर लेते हैं, ये वाला कलर नहीं रहने देते। मैं ऐसा करता हूँ, सिंपल रेड कलर करता हूँ यहाँ पे। अब ये हमारा बैकग्राउंड कलर रेड है, और ऊपर हमारा स्लाइडर मूव हो रहा है। अगर आपने रेड कलर नहीं भी करना, तो कोई और कलर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये तो स्लाइडर हमने बैनर के अंदर मूव करवा दिया स्टूडेंट। अब हमने इसको मूव करवाना है बाकी सब के अंदर, ठीक है। ये बैनर था, बैनर के बाद ये हमारे पास गैलरी है, तो ये गैलरी के अंदर लेके जाते हैं इसको, साइड वाले एरिया को टाइप को बंद कर देते हैं। और फिर ये हमारे पास है जी अबाउट अस, और फिर ये जी हमारे पास कॉन्टैक्ट अस, और कॉन्टैक्ट अस के बाद है जी हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन। तो ये बैनर वाला हमारे पास मौजूद था एरिया सबसे पहले, तो हमने ये मेटा टैग यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है, जितना भी ये हेड सेशन के अंदर मौजूद है। सिर्फ टाइटल छोड़ देना, क्योंकि टाइटल हमारा अपना ही रहेगा, हमने टाइटल कोई और यूज नहीं करना। यहाँ से लेके अब यहाँ तक मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। फिर आता हूँ मैं अपने अबाउट अस के अंदर, अबाउट अस के अंदर भी आएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम इसको, सेलेक्ट करके यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास टाइटल रह जाएगा। टाइटल यहाँ पे मेकिंग अबाउट अस रखना था, नहीं रखा। चल फिर ये कॉन्टैक्ट अस आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ
यहाँ तक मैं इसको फिर सेलेक्ट करता हूँ, और सॉरी ये मुझसे कॉपी हो गया। चलो ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं बस। ठीक है जी, अब यही काम हमने रजिस्ट्रेशन के अंदर करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सेट करता हूँ और सेव कर देता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चलेंगे, ये अब रजिस्ट्रेशन में भी आ चुका है, कॉन्टैक्ट अस में भी आ चुका है। अब रह के हमारे पास ये वाला एरिया सिर्फ नीचे वाला, ये टेबल अभी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टेबल बंद हो रहा है, हमारा खत्म हो रहा है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आके मैंने ये वाला स्लाइड का टेबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेट करना और यहाँ पे लगा देना। ये मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सेव, और सेव करके फिर देखते हैं कि गैलरी में भी मूव हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक तो ये हमारे यहाँ पे मूव है। अब जाते हैं गैलरी के अंदर, देखते हैं जी। लो जी, हमारे गैलरी में भी हमारे स्लाइडर ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, जो कि हमने काम देखा था। ठीक है, ये जिस जिस पे मैं माउस लेके जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मूव होता जाएगा। अच्छा जी, अब हमने ये काम करना है अबाउटस के अंदर। अबाउटस के अंदर कहाँ पे हमारा जी स्लाइडर, ये वाला स्लाइडर हमारे पास मौजूद है, यहाँ से लेके अब मैं यहाँ तक इसको सेट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और सिर्फ सिंपल सेव करता हूँ। ठीक है, अब रह गया हमारा कॉन्टैक्टस। अब कॉन्टैक्टस के अंदर जाते हैं, उसमें भी जाके हम यही काम करेंगे। ये टेबल यहाँ से लेंगे और ये टेबल यहाँ तक बंद करेंगे और सेव कर लेंगे, फिर ये काम रजिस्ट्रेशन के अंदर करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल मौजूद है यहाँ से लेके यहाँ तक, और हम इसको सेव करते हैं। लो जी, अब हम जाके ओपन करते हैं इनके पास। सब में हम लोगों ने सेव कर दिया, ये गैलरी थी। इसके बाद अबाउट अस, अब ये हमारा अबाउट अस भी मूव हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने चीज़ों को ऐड किया हुआ है, और ये हमारे पास गैलरी थी हमारी। गैलरी के साथ ये हमारा बहुत अच्छे खूबसूरत सा लग रहा है। इसके बाद था हमारे पास स्टूडेंट कॉन्टैक्ट अस, तो ये कॉन्टैक्टर्स हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ऐड किया हुआ है कॉन्टैक्टर्स। और उसके बाद आ गया जी हमारे पास लास्ट वाला रजिस्ट्रेशन। अब ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, आप चाहें तो इनकी चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह हर चीज़ में आना चाहे तो नहीं कर सकते। तो ये जी हमने अब चला दिया कि ये हमारी आज वेबसाइट तकरीबन कंप्लीट हो गई है। नहीं स्टूडेंट, अभी एक चीज़ बाकी है, वो ये है कि इनको लिंक करना, कि मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूँ, क्लिक करूँ तो ये होम पे जाए, गैलरी पे क्लिक करूँ तो गैलरी पे जाएगा, अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो अबाउट अस पे जाएगा। ये अभी हम लोगों ने मूव करवाना है। ठीक है, अब इसका भी बॉर्डर, वैसे इसका भी बॉर्डर हमें ख़त्म करना चाहिए था, ठीक है, और वो भी हमने ख़त्म नहीं किया। बैनर के अंदर जाके जो हमने बैनर ऐड किया ना स्टूडेंट, वो बैनर का भी हमने ख़त्म करना था बॉर्डर, यहाँ से यहाँ तक। ये बॉर्डर हम लोगों ने पहले इसलिए लगाया होता ताकि अपनी वेबसाइट को अच्छे से क्रिएट कर सकें। अब ये देखिए, ये बॉर्डर खत्म कर लिया, ये पिक्चर हमें बहुत अच्छी लग रही है। इसी तरह हम बाकी के बॉर्डर भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर सिर्फ पहले मैंने बताया इसलिए लगाया था ताकि हम वेबसाइट को इजीली कंट्रोल कर सकें। फिर ये कॉन्टैक्ट बॉर्डर्स के अंदर भी आ जाके हम रिमूव कर देते हैं ये वाला, ये हमारे बैनर का मौजूद था हमारे पास वो बॉर्डर एरिया की तरह जी। स्टूडेंट के हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और फिर ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब हमने इसे हमें मूव कर दिया, इसके बैकग्राउंड कलर ठीक है, अच्छा है वैसे। अगर चाहे तो आप लोग चेंज करना चाहे तो स्टूडेंट चेंज कर लें कलर, अगर नहीं कर चेंज करना चाहते तो ना करें। जैसे ये बॉर्डर था,
ठीक है। अगर आपको बॉर्डर के साथ अच्छा लगे तो बॉर्डर लगाए रखो, अगर बॉर्डर के बगैर अच्छा लगे तो बॉर्डर के बगैर इसको ऐसे लगा दें, ठीक है। आप जिसमें भी कोई भी चीज़ को करना चाहते हैं कर लें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट अब आपकी ही है, इसमें आप लोगों ने काम करना है। तो अगर आपको ये मेरा चैनल अपने मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारा था बैनर, अगर कोई न्यू आया तो वो बिल्कुल हूबहू कॉपी करना चाहे तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर सकते हैं हमारी, ठीक है, और बना सकते हैं अपनी वेबसाइट। ये हमारे बैनर का आइडिया है, ठीक है। तो मुझे आज के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। तो अल्लाह हाफिज़।